केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रेरणा स्थल के निर्माण ने हमारे उन बहादुर जवानों के बलिदान को इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर दिया है। जब तक ये स्थल रहेगा तब तक इस क्षेत्र के लोगों को हमारे जवानों के शौर्य से परिचित कराएंगे और उन्हें प्रेरणा देंगे। साथ ही क्या कुछ कहा सुनिए। उन जवानों की बहादुरी को इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर दिया। अब चाहे कितनी भी पीढ़ियां चली जाए लेकिन जब तक यह स्थल रहेगा तब तक यह इस क्षेत्र के लोगों को हमारे जवानों के शौर्य से परिचित कराएगा, उन्हें प्रेरणा देगा। साथियों, मैं हमारे 22 जवानों के बारे में देख रहा था तो एक बात पर मैंने गौर किया। उन 22 जवानों में से कोई जवान तो नागालैंड से था, कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई तमिलनाडु से था, तो कोई राजस्थान से, तो कोई तेलंगाना से और कोई असम से था। मतलब भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के सैनिक उसी सूची में थे। मेरे मन में यह बात आई कि भारत के अलग अलग हिस्सों के होने के बावजूद इन सैनिकों ने यहां के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।